एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहने का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के पास मौजूद एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के दावों की पोल खोलता है। यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के पास मौजूद ये वीडियो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं दिलीप सिंह परिहार। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की तर्ज पर दिलीप सिंह परिहार भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जो एक नई कहानी बयां करता है। 3 दिसंबर को रामबन में जनता दरबार को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व MLA कुछ ऐसा कह बैठे कि अब वह जम्मू कश्मीर में हंसी का पात्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के MLA के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर राष्ट्रवाद के खोखले दावों के आरोप लगाती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया ये बयान एक नई कहानी बताता है। रामबन में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलीप परिहार समय न मिलने के लिए असमर्थता जताते हुए ये बताना चाहते थे कि उनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर में विकास करने के लिए अधिक समय नहीं मिला। इसी कोशिश में वह आतंकी बुरहान वानी को बुरहान जी कह बैठे। फिर सरकार टूट गई, फिर बुरहान वानी जी मर गए। फिर सरकार हमारी जो है श्रीनगर चल नहीं पाई, पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर सरकार एक साल चली तो सरकार टूट गई, जिसके कारण जो भी हमने काम किए थे अधूरे रह गए। आज मोदी जी ने 125 स्कीमें जो है वो लॉन्च की हैं, हर गरीब के लिए स्कीम है। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता इस तरह के विवाद में फंसा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद भी आतंकी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कह चुके हैं। मित्रों, मित्र पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। फिर सरकार हमारी जो है श्रीनगर चल नहीं पाई, पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर सरकार एक साल चली तो सरकार टूट गई, जिसके कारण जो भी हमने काम किए थे अधूरे रह गए।